वैसे आपने आर्ट्स काउंसिल के सरगर्मियों में भी आप बहुत सरगर्म रहे हैं और एक वक्त था कि आपने वहाँ पर भी बहुत प्रोग्राम किए, और यूँ तो देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं भी कोई प्रोग्राम होने की गुंजाइश की जगह है वो कोई जगह आपने छोड़ी नहीं। आपने हमारे PACC में भी प्रोग्राम किए हैं और भी बहुत सारे इदारों में हम प्रोग्राम किए, तो आप जो नई नस्ल का को आप अदब से करीब समझते हैं, या नई नस्ल अब उस जो जिस अदब को हम अदब कहते हैं उससे वो दूर हो गई? देखिए, बात असल में ये है कि चाहे वो आपके PACC के प्रोग्राम हो, चाहे वो आज का सलाह पाकिस्तान कराची के प्रोग्राम हो, चाहे वो शहर के मुख्तलिफ जगहों पर जो मैंने प्रोग्राम किए, उसमें तो मुझे सबसे ज्यादा रेडर्स जो है वो नई नस्ल की दिखाई देती है। चाहे वो मुकाबला नात हो, चाहे वो म्यूजिक चैलेंज हो, चाहे वो नेशनल सॉन्ग्स हो, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, चाहे वो अदबी प्रोग्राम हो, आपको बताऊं कि नई नस्ल से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। और ऐसा नहीं है कि नई नस्ल जो है वो अपना काम अपना रुझान नहीं दे रही है। आप इस शहर की यूनिवर्सिटीज़ और जामियात में जाके आप देखिए कि जो उनके क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिन जगहों पर प्रोग्राम के देखिए इजाज़त है वहाँ प्रोग्राम आप देखिए, तरह के वो नई नस्ल किस तरह से सामने आ रही है। चाहे वह एक्वा यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, जैबिट्स को देख लीजिए, जामे कराची को देख लीजिए, एक रुझान है नई नस्ल अपना काम अपना, अगर उनको कोई सही गाइडेंस मिलती है तो वो सामने आते हैं और उनके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप दूर क्यों जाते हैं, आइए जरा PACC की तरफ ही देख लीजिए। मेरे प्रोग्रामों की बात नहीं हो रही कि मैंने आप किया कई प्रोग्राम आपके ऑर्गेनाइज किया, खुद आपके PACC के प्रोग्राम में देख लीजिए। आपके सीनियर मेंबर्स की तादाद बहुत कम होती है, लेकिन जो आपने नए मेंबर्स बनाए या उनसे वाबस्ता मेंबर्स से जो उनकी फैमिलीज हैं जो कि नहीं दे सकते, वो सारे आपके प्रोग्राम में यहाँ बैठे हुए होते हैं। इससे ये अंदाजा हुआ कि आप नई नस्ल का अदबी रुझान से आप मुतमईन हैं। बिल्कुल मुतमईन। और आपको एक और बात बताऊँ, अगर आप शायरी की लिहाज से करते हैं, आप अगर आप नस्ल पे लिखते आते हैं तो नई नस्ल के कुछ शोरा ने तो ऐसा कलाम पेश कर रहे हैं कि जो सीनियर इस वक्त मौजूद है वो अपनी उंगली दाब ली, क्या क्या शेर का है बच्चे, क्या बात कही। अभी अतरा यूनिवर्सिटी में एक किताब लॉन्च हुई है, वो किताब वही की उसकी किसी लड़की ने वहाँ लिखी, पाकिस्तान हाल और मुस्तकबिल, उस पर किताब आई उसकी। उसने किसी उस पूरे किताब में उसके सिर्फ एक लेडीज हैं जो भी यंग है, जिसने उस किताब पर उसके साथ उसकी मदद की। उस किताब पर जब ये लॉन्च हुई वहाँ पर इकरा यूनिवर्सिटी में, जब उस किताब को लॉन्च हुई तो पूरी इकरा यूनिवर्सिटी का वो ऑडिटोरियम जो है जैम पैक ऑडिटोरियम था, और उसकी सदारत फरमा रहे थे डॉक्टर पीरजादा कासिम और प्रोफेसर सहर अंसारी, ये लोग सदारत ये कर रहे थे, सदारत वो मेहमान खुसूसी थे। दोनों ने मिलकर उस बच्ची की उस किताब की पर इस कदर अच्छी गुफ्तगू की और इतनी तारीफ की कि आप सब मैं समझ कर लेंगे कि ये बच्ची अगर इसी तरह से चलती रही तो ये आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत अच्छी लिखारी होगी। एक और साहब कोटा के एक शायर थे, उसका नाम था मुर्शीद चंगेजी, हमारे आलमी मुशायरा हुआ था। उस आलमी मुशायरे में मुर्शीद चंगेजी को हमने आज से तकरीबन, इस मुशायरे की जो बात कर रहा हूँ ये 10 साल पहले की बात है, उस मुशायरे में मुर्शीद चंगेजी अपना कलाम सुनाने के लिए आया। जब वो कलाम सुनाने के लिए आया तो वो कलाम जब उसने अभी चौथा या मिसरा ख़त्म ही किया था कि अहमद फराज अपनी सीट से उठ कर गए और उस बच्चे के माथे पर यहाँ करके प्यार किया, माइक पे कहा कि ऐसा शेर हम भी नहीं कह सकते। ये बच्चे
ये है असल बात। ये देखिए मैं एक बात कह रही हूँ, आप कर रहे हैं काम ना, ये आपने काम किया ना, मतलब ये मैं आपके बैठ के चैनल में बैठ के तारीखों को बुला नहीं मांगूंगा, लेकिन जो हकीकत आपने आपने नस्ल को आगे किया ना, नस्ल को सिखाया है ना आपने, तभी तो आपके परमाणु की तरह लोग आपके पीछे बच्चे बच्चे सब आपके पीछे लगते हैं। हमने भी यही कोशिश की आज कल सर पाकिस्तान में, चाहे वो हमारे मैं अभी कमेटी भी वहाँ के चेयरमैन भी रहा, मैं वहाँ की यूथ कमेटी के भी चेयरमैन रहा, मैं वहाँ की स्पेशल कमेटी के भी चेयरमैन रहा, वहाँ की चिल्ड्रन कमेटी के भी चेयरमैन रहा। और एक आपको एक अजीब बात बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि मैंने बच्चों के वो प्रोग्राम किए कि जिनकी माएँ उनको लेके वॉशरूम में जाती थी, उन बच्चों के प्रोग्राम जो है स्टेज के ऊपर परफॉर्म कराए। और आज जब इतनी खुशी होती है मकदूम साहब, ये खुशी आपको भी होती होगी, क्योंकि आप एज में भी मुझसे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि जब हम किसी महफिल में चले जाते हैं, और महफिल में जब किसी महफिल में किसी शादी ब्याह की महफिल में चले जाते हैं, और एक बच्ची एक खातून जो है वो आती है, अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैंने कहा अरे अंकल आपने पहचाना नहीं, मैंने कहा नहीं मैंने बेटा मैं बिल्कुल नहीं पहचाना, अंकल हम आपके प्रोग्राम में आए थे, हमने आपके प्रोग्राम में परफॉर्म किया था, मैं आपके हस्बैंड से बार बार आपका तकरार करती थी, अगर मेरे हस्बैंड को मैं आपसे मिलवाऊंगी, पता चला साथ में उसके दो बच्चे भी साथ थे, दोनों बच्चों को बुलाइए मेरे अंकल है और मेरे के साथ बात, दोनों बच्चों को उम्मीद होगी कि अब ये अंकल हमारे को भी दिल बढ़ता है, खुशी होती है। तो हमने तो ये काम किया और ये काम अब तक जारी रखा, और इसका काम तो मैंने सीखा जो है वो यावर मेहदी से सीखा, आप जानते हैं वो बड़ा शख्स ने, उस शख्स ने कहां से कहां लोगों को पहुंचा दिया। मैंने उन पर किताब लिखी क्योंकि शख्सियत पे मुझे एजाज हासिल हुआ कि मैंने यावर मेहदी की शख्सियत पे 1000 सफ़े की किताब लिखी। और आपको हैरत होगी कि चाहने वाले कैसे होते हैं कि जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मैंने उनके जानने वालों का और उसके बाद एक फेरिस्त मुरतब की, और फेरिस्त मुरतब करके जब मैं किसी शख्स से उनके बारे में कहता था कि मैं इनके बारे में एक किताब लेके आ रहा हूँ, तो आप अपने तासरात मुझे लिख के दीजिए, तो बाद से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे, लवाज बंद हो जाती थी कि हम क्या कहें इनके बारे में, भाई वो क्या चीज़ क्या है। ऐसी शख्सियतें मखदूम साहब इस शहर में ना पैदा हुए, अब नहीं हुए। आपने इतनी मारूफ शख्सियत के साथ काम किया बेशुमार, कोई ऐसी शख्सियत जिसका जिक्र आप एक इस तरह यावर मेहदी के अलावा कि जो आपके लिए एक यादगार, वो शख्सियत से मुलाकात, उस शख्सियत का प्रोग्राम करना या उस शख्सियत के साथ वक्त गुजारा आपने, ऐसा कोई आपके जहन में आएगी कोई शख्सियत? देखिए यावर मेहदी साहब के बाद जो है अगर मुझे किसी शख्सियत ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया वो था हज़रत अब्बास हाशमी। हज़रत अब्बास हाशमी साहब जो है उन्होंने यूनिकेनियर थे, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के पढ़े हुए थे, हमसे कई सीनियर थे, उस यूनिकेनियर्स की टीम ने ये आलिम शहर का बुनियाद रखी थी, ताकि शहर कायद की, एक तो हज़रत अब्बास हाशमी। दूसरी बात ये जब मैं आज कौशल पाकिस्तान कराची में जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उसमें समीना परिजादा,